जय हिंद, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेट के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत दो फर्जी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, एक एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। इस बात की भी आपको यहां पर जानकारी देना चाहेंगे कि रुड़की गंग नहर कोतवाली में घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया और एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीती 8 फरवरी को रुड़की क्षेत्र में घटी घटना आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी कि फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवार जन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे 20,00,000 रुपए की रकम ठगी। आपको ये भी बता दें कि जिस संबंध में व्यापारी सुधीर कुमार जैन निवासी सुनहरा रोड रुड़की ने 11 फरवरी को कोतवाली गंगनहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस बात की भी जानकारी दे दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीम का गठन किया गया और खुलासे की कोशिशों में जुटी पुलिस टीम ने घटना स्थल और आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करने के साथ साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। आपको बता दें कि साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित दो अभियुक्तों को नहर पटरी क्षेत्र से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दबोचे गए अभियुक्तों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार टाटा ग्लांजा, 2,50,000 नकदी, ठगी के पैसों से खरीदा गया 1,00,000 कीमती एप्पल मोबाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फर्जी दस्तावेज और मोहर बरामद हुई। गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश के साथ साथ ठगी की गई रकम वापस लाने के लिए टीम प्रयास कर रही है। 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20,00,000 रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की SCIU और थाने की टीम बनाई गई थी और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोरी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथियों और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुँचे और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20,00,000 रुपये लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है, साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गए हैं। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं अन्य कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो, इस संबंध में भी पूछताछ की गई है।